मान साहब वक्त नहीं था, अगर वक्त होता तो इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ गोशों पे भी रोशनी डालते। और अब मैं, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, 5 या 7 मिनट के लिए मैं चौधरी तालिब हुसैन एडवोकेट के, जिनका ताल्लुक गुजर बकरवाल वेलफेयर स्टूडेंट्स एसोसिएशन से है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से सीरत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। आप एक नारा तकबीर से उनका इस्तकबाल करें। नारा तकबीर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की इस सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए दीन व सियासी शख्सियात और जिनका नाम खुसूसी तौर पे मैं लेना चाहूँगा, स्वामी नारंग जी और हमारी सिख बरादरी से उनके मज़हब के एक पेशवा व मेरे सामने बैठे हुए मिल्लत के दानिशमंदान सियासतदान नौजवान हजरात व पर्दे की उस तरफ मेरी बहनें, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं मशकूर हूँ शिया फेडरेशन सुबह जम्मू और उनके साथ ऑल लद्दाख मुस्लिम स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कि उन्होंने अल्लाह के इस लाचार बंदे को यहाँ पे इज्जत से नवाजा और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। हाजरीन मजलिस, करबलाई साहब हमारे बीच में मौजूद अभी स्टेज पे आए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाजरीन मजलिस, चूँकि मेरी कम इल्मी मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई बात रखूँ, लेकिन इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन जो कि बहुत ही अहम मसला है, मुझे पिछले साल भी शिया फेडरेशन सुबह जम्मू के जो सदर हैं और उनके साथ बाकी हजरात ने दावत दी और मैं शरीक हुआ, और इस मर्तबा भी मैं दिल की अमीक गहराइयों से उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं कि आए दिन हम अपने नेशनल मीडिया के ऊपर एक चीज़ देख रहे हैं कि हर दूसरी शाम को इस्लाम पे एक डिबेट होती है किसी नेशनल मीडिया पे, और चंद मौलाना हजरत सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स वहाँ पे बैठ के इस्लाम का नुक्ता नज़र सामने रखते हैं जो कि सच में इस्लाम का नुक्ता नज़र नहीं होता, या नेशनल मीडिया या तो ऐसे मुकर्ररीन को, ऐसे पैनलिस्ट को बुलाता है जो बहुत ही मेरी तरह बहुत ही नाकस इल्म के मालिक होते हैं, या फिर वो होते हैं जो कि पेड होते हैं। मैं इस चीज़ का बखूबी इल्म रखता हूँ कि आलिमे दीन वो जमात है जिसकी रूह से, जिनकी वजह से इस्लाम हम तक पहुँचा। आलिमे दीन
वो जमात है जिनकी वजह से आज दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचा। आलिमे दीन वो तबका है जिनकी वजह से आज मेरी खानाबदोश कौम भी इस्लाम के झंडे के नीचे आप सब लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस आज इस चीज का है कि हमें गैर ने इस कदर बांट दिया है कि कोई भी मुसल्लिक हो, किसी भी मुसल्लिक का आलिम हो, उससे कहा जाए कि इस्लाम को डिस्क्राइब कीजिए, इस्लाम की वजाहत कीजिए, वो इस्लाम की वजाहत नहीं कर सकता, माज अपने फिरके की वजाहत कर पाता है, सिर्फ अपने मुसल्लक की बात कर सकता है। ये जुल्म है हम पे। आज पूरी दुनिया के अंदर आप सब लोग देख रहे हैं कि बैतुल मुकद्दस, जिसे इन्होंने यरूशलम का नाम देके इसराइल की राजधानी, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे करार दे दिया, इससे बड़ी चोट और कौन सी होगी मेरे साथियों। मुझे मुख्तसर वक्त मिला है, लेकिन मैं खासकर नौजवान और अपने बुजुर्ग साथियों से यह सवाल करना चाहता हूं कि छोटी छोटी छोटे छोटे बच्चों ने फलिस्तीन से, सर पे से दुपट्टा उठी हुई बहनों ने एक आवाज दी, मदद की गुहार लगाई, और कहीं दूर से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उठ के आए और उनकी मदद के लिए फलस्तीन में पहुंचे। क्या मुंह दिखाएंगे हम कल कयामत के रोज अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अरे क्या मुंह दिखाएंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अकराम को? क्या मुंह दिखाएंगे हम अपने आइमाए कराम को? क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि कल हम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का सामना कर पाए? क्या हमारे आज अमल वो है कि हम तारिक बिन जयाद, जिसने फलस्तीन के अंदर सिर्फ 12,000 फौज लेके अपनी किश्तियां जला दी, हम उनका सामने करने का मुंह चेहरा रखते हैं? नहीं रखते मेरे साथियों, नहीं रखते। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं किसी मुखालफत में ना जाके, स्वामी नरंग जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर गंगा जमनी तहजीब को आज तक जिंदा रखा गया है, और उसके अंदर अगर मुसलमानों का हाथ है तो हिंदू सेकुलर भाइयों का, ईसाई सेकुलर भाइयों का, सिख सेकुलर भाइयों का और पारसी सेकुलर भाइयों का भी उतना ही हाथ है। लेकिन आज कुछ अरसे से हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जो हालत हो रही है उस पर भी गौर फिक्र करने की जरूरत है। मेरे मजहब को, इस्लाम को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज हम जलीलो खवार हो गए हैं। मेरी सियासत मेरे मजहब से अलग ना थी, जब से सियासत को मजहब से अलग किया है तब से हमारी रुसवाई शुरू हो गई। मैं अपने तमाम साथियों से, हाजरीन मजलिस से यह गुजारिश करना चाहता हूं कि ठीक है, हम हजरत अली करम अल्लाह वजू के बहुत बड़े शदाई हैं, मैं उनका बहुत बड़ा शदाई हूं, मैं हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा शदाई हूं, दुनिया के अंदर कार्ल मार्क्स को माना जाता है, मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं, दुनिया के अंदर माना जाता है कि कार्ल मार्क्स ने यह रेवोल्यूशन लाया, लेनिन ने वो रेवोल्यूशन लाया, नेपोलियन बोनापार्ट ने यह किया, दूसरे ने यह किया, लेकिन मेरे नजदीक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाया, और उनके बाद कोई दूसरा इनकलाब था तो हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने लाया, जो ईरान की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। और इन इनकलाब के जवाब, इन इनकलाब का जो नतीजा निकला वो आप लोगों ने देख लिया, बर्मा के अंदर जिस तरह से हुआ, सबसे पहले इस्लामिक जमहूरिया ममलिकत ईरान आगे बढ़ा और उसके साथ तुर्की ने आगे बढ़ के उस रियासत को धमकाया कि हमारी फौजें बर्मा के अंदर चली जाएंगी, और दूसरे ही दिन वहां पर मुसलमानों पर जुल्म जबर बंद किया गया। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गो, मेरा इल्म और वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं और बात आप लोगों से करूं, लेकिन एक चीज का अफसोस होता है, मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते हैं कि चैरिटी बिगन फ्रॉम होम। मैं घर से बात करूं, रियासत जम्मू व कश्मीर का मुसलमान कितना इकट्ठा है, आप जरा अपने आप से सवाल करके देखिए।
हम कश्मीरी के नाम पे, हम पहाड़ी के नाम पे, हम गुज्जर के नाम पे, और फिर गुज्जर के अंदर बकरवाल के नाम से, दोधी गुज्जर के नाम पे, देसी गुज्जर के नाम पे, पुंछ के गुज्जर के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे, हजारों नामों पे बटे हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं शिया फेडरेशन के सदर और उनके साथियों से, साथियों को, और गुजारिश करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप उम्मत का सिर्फ एक शिया जो मुसल्लिक है उनका आलम लेके ना चलिए, आप उम्मत का आलम लेके आगे चलिए। मैं ये दावे के साथ इंशाल्लाह रहमान आपको कहता हूं, ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी एक हमने बनाई है जिसमें मेरे साथियों ने मुझे उसका चेयरमैन चुना है। मैं ऑल कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से कहता हूं, खुदा की कसम हमारी पूरी की पूरी कौम आपके साथ है। और आखिर में एक चीज बताना चाहूंगा, बेइल्मी की यह हद हो चुकी, बेइल्मी की यह हद हो चुकी कि रोहित सरदाना ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहररात पे और उनकी शान में गुस्ताखी की। हम एक दिन प्रोटेस्ट के लिए नीचे प्रेस क्लब में जनाब आशिक साहब की और फिदा हुसैन साहब की सदारत में जमा हुए, तो मीडिया में बात करने के लिए मुझे भी मौका दिया गया। जब मीडिया में मैंने बैठ दी तो शाम को कश्मीर से मुझे फोन आए मेरी गुजर बरादरी के नौजवानों के, उन्होंने यह कहा कि आपस में 10 लोग इकट्ठे हुए और बात करते हुए कहते हैं कि तालिब तो बहुत अच्छा लड़का था लेकिन अफसोस के शिया हो गया। ये तो हालत है आज मुसलमानों की। हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के बहुत बड़े शायर और कलंदर गुजरे हैं वक्त के, उनसे उनको एक बार वक्त के मुल्लाओं और पंडितों के खिलाफ थे जो कि गलत ढोंग रचाया करते थे, उन्होंने कुफर का फतवा लगा दिया बाबा बुल्ले शाह पे। तो बाबा बुल्ले शाह के एक मुरीद ने आके कहा कि बाबा जी क्या कीजिएगा, हुण की करना था, देते थे कुफर दा फतवा लग गया है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा कि रब नाल लाइयां परीतां, रब नाल लाइयां परीतां तेला मलामत मिले लाख, रब नाल लाइयां परीतां ते मलामत मिले लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। तो मैं आप सब लोगों से यह गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्त आ गया है एकजुट होने का। मैं और मेरे तमाम साथी जनाब आशिक साहब और इनकी तंजीम के साथ खड़े हैं, जनाब आशिक साहब की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। जब भी हमें हुक्म होगा इंशाअल्लाहुल अजीज हम सारे की सारी कौम के साथ जितने भी हमारे साथी हैं आप सब लोगों के साथ हैं। आप अलम बुलंद कीजिए इत्तफाक का, इत्तेहाद का और यूनिटी का। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जजाकल्ला जजाकल्ला जजाकल्ला।